अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी से आप बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, मुंह में घुल जाने वाले कबाब बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। सभी टिप्स और ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं, जिससे कि आपके कबाब सॉफ्ट, जूसी और मुँह में घुल जाने वाले बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बनकर तैयार होंगे। तो बग़ैर स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपके कबाब भी परफेक्ट और ज़बरदस्त बनकर तैयार हों। तो आइए इन मज़ेदार से कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर पानी को निथार कर और इसे ग्राइंडर के जार में थोड़ा थोड़ा डालकर पीस लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कीमे को ग्राइंडर के जार में भी थोड़ा थोड़ा डालकर पीस सकते हैं। कीमा पीस लेने के बाद हम इसका हरा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ग्राइंडर के जार में एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते डाले हैं। साथ ही 6 हरी मिर्चें ली हैं, जो कि मीडियम तीखी हैं। इसके साथ ही 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, जिसे अच्छे से धोकर इसमें शामिल किया है। साथ ही हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे और इसे हमने अच्छे से छील लिया है और इसे हम रफली कट करके इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो किसी चॉपर में डालकर भी इसे चॉप कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे। अब इस मसाले को हम कीमे के ऊपर डाल देंगे। इसके साथ ही हम कबाब की गलावट के लिए 1 टीस्पून भरकर कच्चा पपीता शामिल करेंगे, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह कचरी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून ही भुना कुटा जीरा पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून भरकर होममेड गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर दरदरी कुटी हुई मोटी सौंफ डाल देंगे। 1 टीस्पून भरकर ही साबुत धनिया को दरदरा कूट कर डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून भरकर चाट का मसाला डालेंगे। साथ ही 1 नींबू का रस भी इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो नींबू की जगह इसमें 1 टीस्पून भरकर अमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा लिया है, जिससे कि कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। यहाँ हमने 1 मुट्ठी भुने चनों को ग्राइंडर के जार में डालकर पीस लिया था और इसके पाउडर में से 2 टेबलस्पून भरकर पाउडर हमने इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन को भी सेक कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे, इससे कबाब रूखे हो सकते हैं। अब इन सभी मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले कीमे में रच बस जाएँ और यकजान हो जाएँ। कीमे में सभी मसालों को मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए, कबाब का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे 2 घंटों के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके झटपट कबाब तैयार करेंगे। इसके लिए हम हथेलियों में ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हथेली में लेकर इस तरह से गोल घुमाते हुए इसका पतला सा कबाब तैयार करेंगे। पतले कबाब बनाने से ये होगा कि जब ये ऑयल में जाते हैं तो कीमा ऐंठने लगता है और कबाब यूँ ही मोटे हो जाते हैं। इसी वजह से हम इसके बिल्कुल पतले कबाब इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमें बिल्कुल पतला सा गोल सा कबाब तैयार कर लेना है और इसी तरीके से हमने बाकी के सभी कबाब भी बना लिए हैं। यहाँ हमने एक पैन में 1/2 कप ऑयल डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने कबाब को इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लेस कर देना है। सभी कबाब को प्लेस कर देने के बाद इसमें हमने 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शेलो फ्राई करने से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। ये देखिए, कबाब को हमने पलट पलट कर 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें निकाल कर हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और चटपटे बनते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास सभी मसाले पिसे हुए हों तो ये कबाब बहुत जल्द और आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से हमने बाकी के सभी कबाब भी फ्राई कर लेने हैं। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने परफेक्ट बने हैं। ये देखिए, अंदर से सुपर सॉफ्ट हैं, जूसी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। मुँह घुल जाने वाले ये कबाब घर में बहुत जल्द और आसानी से तैयार हो जाते हैं। इन्हें बनाकर आप पूरी, पराठों, पुदीने की चटनी और सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो इस ईद उल अज़हा के मौके पर आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कच्चे कीमे के ये कबाब आपको बहुत पसंद आएंगे। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।